बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, बातचीत कुछ भी नहीं, गुस्सा बहुत तेज कर देंगे, कोई विशेष कारण नहीं। झगड़ा करने वाले लोग कैसे होते हैं जानते हो? एक महिला थी, माताजी थी एक, उनका इतना झगड़ालू स्वभाव था कि उनके पति भी बेचारे बहुत परेशान हो गए। कितनी बार दंडौत करें, ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास, महाराज क्या करें, कितनी जगह मकान बदल चुके हैं, पड़ोस में ये इतना भारी झगड़ा करती है, जेल और कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है, क्या करें महाराज। हम कितनी बार सबको दंडौत करें, पत्नी को दंडौत करते हैं और भी लोगों को दंडौत करते हैं, परेशान हो गए, क्या करें। तो एक ऐसी महिला थी, वो झगड़ा करने का सुख, तो पड़ोस की महिलाओं ने पंचायत की, आसपास जितने घर थे उन्होंने पंचायत की, ये कुछ भी करे उल्टा पलटा सीधा, हम लोग देखेंगे ही नहीं इसकी तरफ, बोलेंगे ही नहीं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, भाई ये कुछ बोले फिर हम कुछ बोलें तो ही झगड़ा शुरू होगा, भाई एक तरफा मौन हो जाए तो काहे का झगड़ा। उसने देखा कि आज तो हमारी रोटी कैसे पचेगी, झगड़ा हुआ ही नहीं, तो वो घर का काम करते हुए गीत गा रही थी, गीत हमको याद नहीं है, उसका आशय याद है, वो कह रही थी शेर भर दाल बनाऊंगी, क्या करोगी, शेर भर दाल बनाऊंगी, सवा शेर नमक गिराऊंगी, मैंने कुल बनी बनाई दाल शेर भर और नमक कितना, सवा शेर नमक गिराऊंगी, बस इसी को गा रही थी, शेर भर दाल बनाऊंगी सवा शेर नमक गिराऊंगी। आखिर पड़ोसिन भूल गई प्रतिज्ञा को, उसके मन में आया कि इसको हो क्या गया, अरे बहन क्या कर रही हो, सवा शेर शेर भर दाल में सवा शेर नमक कैसे पड़ेगा, मुंह में देने योग्य नहीं रह जाएगी। बोला मेरा घर मेरा चूल्हा मेरी बटलोई मेरी दाल मेरा नमक, तेरे बाप का क्या जा रहा है, झगड़ा सुन। अरे बोले गलती, क्यों गलती हुई, बोली क्यों बोली, आकाश पाताल एक कर दिया। वो गीत ही इसलिए गा रही थी कि कोई ना कोई तो बोलेगा, बोलेगा तो झगड़ा शुरू। अकारण क्रोध करना कलह करना ये बहुत बड़ा दोष है। पहली बात तो यह सोचनी चाहिए कि जब हम क्रोध करते हैं तो हानि किसकी होती है, जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है उसकी कितनी हानि होगी, ये तो पीछे, क्रोधकर्ता की हानि पहले हो जाएगी। महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी का संवाद है, बहुत प्यारी बात। महाभारत कथा जब हमने कही थी तब उस पूरे अध्याय के सार भाग को हमने कहा था, आज अवसर नहीं है। शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी को कह रहे हैं कि 1000 वर्ष तक जिसने वेदादि शास्त्रों में कहे गए संपूर्ण यज्ञों का सविधि अनुष्ठान किया है, कितने समय तक, 1000 वर्ष तक, तप्त कृच्छ प्राजापत्र चांद्रायण आदि व्रतों को 1000 वर्ष तक अनुष्ठान किया है, 1000 वर्ष तक यज्ञ किए हैं, दान किया है, जप किया है, तप किया है,
उस व्यक्ति का 1000 वर्षों के इन सब कठोर जप तप आदि कठोर साधनों से जन्य पुण्य और कभी क्रोध न करने वाले का पुण्य, तो वह कहते हैं कभी क्रोध न करने वाले के पुण्य की 1000 वर्ष तक किया गया यज्ञ जप तप दान ये सारे के सारे शुभ कर्म 1000 वर्षों तक किए गए हैं उसका पुण्य और क्रोध न करने का पुण्य कितना है। बोले क्रोध न करने वाले के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी ये सारे पुण्य मिलकर नहीं कर सकते। सैकड़ों वर्ष की साधना एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। दूर 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 चांडाल है, स्वपच है, अछूत है, मत छुओ। उस बेचारे से तो आप इतनी घृणा करते हो और ये चांडाल क्रोध भीतर ही बसा रखा है, उससे बड़ी यारी है आपकी उसके प्रति बिल्कुल अस्पृश्य। तो वह क्रोध रूपी चांडाल है जिसको बड़े यत्न से हमने भीतर बसा रखा है। एक तरफा निश्चय कर लो हमको क्रोध नहीं करना, इतने साधन से ही सब कुछ हो जाएगा।